देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया गया और इस दिन से पूरे भारतवर्ष में सेवा पखवाड़ा प्रारंभ किया गया जो 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसमें भाजपाइयों द्वारा आम जन मानस की सेवा से जुड़े कार्य किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़ी इकाइयों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री और अपने लाडले नेता माननीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान भिलाई में भी मंडल स्तरीय सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत विशेष तौर पर साफ सफाई को लेकर कार्य किया जा रहा है और जनमानस की सेवा करने के उद्देश्य को लेकर जनहित के कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के वैशाली नगर अध्यक्ष निखिल सोनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मार्गदर्शकों के मार्गदर्शन में गुरु घासीदास नगर स्थित तालाब में सघन सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही 15 दिनों तक चलने वाले सेवा पखवाड़े में अन्य और भी जन सेवा से जुड़े कार्यों को किया जाएगा। वैशाली नगर मंडल भाजयुमो अध्यक्ष निखिल सोनी एवं जिला स्वच्छता अभियान के जिला संयोजक विनोद कुमार देवांगन ने सेवा पखवाड़े के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पूरे पखवाड़े भर में सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस की सेवा की जाएगी, चाहे वह सेवा किसी भी प्रकार की हो। जी, मेरा नाम निखिल सोनी है, भारतीय जनता युवा मोर्चा वैशाली नगर मंडल अध्यक्ष हूँ। नहीं, इसमें हमारा अभियान नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर किया जा रहा है, जो कि 2 अक्टूबर तक प्रायः हर मंडलों में, हर जिले में अपने अपने स्तर पर लोग अपने तरीके से सब कर रहे हैं। और आज वार्ड 22 और वार्ड 23 के समीप जो घासीदास नगर तालाब पड़ता है, इसमें हमारे युवा मोर्चा के द्वारा सफाई अभियान किया गया है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी वैशाली नगर मंडल से भी हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, महिला मोर्चा से भी सहयोग मिल रहा है। इस चीज़ों को सब हम मिलजुल कर इन चीज़ों को आगे कर रहे हैं और प्रायः हम आगे कोशिश भी करेंगे और इससे और अच्छे तरीके से काम को कर सकें। मैं विनोद कुमार देवांगन, स्वच्छता अभियान का जिला संयोजक। माननीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 तारीख को जो हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, उसी तहत हम लोग का सेवा सप्ताह 15 दिन का होता है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के। उसी के तहत राष्ट्रीय नेतृत्व का हम लोग को निर्देश मिला है कि स्वच्छता का कार्यक्रम, सेवा का कार्यक्रम करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को इसी तरह हमको सबके दिल में स्वच्छता का भाव जगाना है। मैं तो लोगों से आह्वान करूंगा कि स्वच्छता के प्रति सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक हो और समाज तभी देश स्वच्छ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कई ऐसे बड़े मौके पर ऐसे पखवाड़े आयोजित किए जाते हैं जिससे स्वच्छ भारत मिशन का सपना साकार हो सके और आम जनमानस की सेवा करते हुए उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।